ये वाक्या है अमेरिका के एक लड़के का जिसकी उम्र अभी 9 साल ही थी कि इसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। ये लड़का ना तो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था और ना ही ये खुश शक्ल था, लहजे में भी जटपन था। अगर इसकी शख्सियत में कोई शह कद आवर थी तो वो इसका 6 फीट का कद ही था। इसने अपनी 20 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज बतौर शॉपकीपर के तौर पर किया, लेकिन चंद माह बाद ही मसलसल घाटे की सूरत में इसके मालिक ने स्टोर को बंद कर दिया और इसको नौकरी से निकाल दिया गया। चनाचा अपनी पहली जाती कमाई हुई नाकामी का बैज इसने अपने सीने पर सजा लिया। के बाद फिर इस नौजवान ने 23 साल की उम्र में सियासत में हिस्सा लिया और पहला इलेक्शन लड़ा, लेकिन हाय मुकद्दर वो पहला इलेक्शन भी हार गया। पहला इलेक्शन हारने के बाद ये नौजवान खाली जेब भूखे पेट था, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए वो लकड़हारा बन गया और लकड़ियां काटने लगा। फिर किसी ने मशवरा दिया डाकिया बन जाओ, सो वो डाकिया बन गया। यहां भी दाल ना गली तो वो सर्वे करने वालों में शामिल होकर सर्वे करने लगा। फिर इसके बाद अपने कद काट से फायदा उठाते हुए न्यू सैलन के रेसलिंग चैंपियन को चैलेंज कर दिया, लेकिन यहां भी वो जीत ना सका। फिर इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टोर खोला, लेकिन वक्त की सितम जरीफी तो देखिए कि उसका स्टोर ना चल सका बल्कि उल्टा उस पर कर्ज चढ़ गया जो उसने 15 साल के अरसे में उतारा। तो इतनी बार नाकाम होने वाले शख्स को आप क्या कहेंगे? क्या आप इस शख्स को भी हारा हुआ शख्स बोलेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि ये शख्स कौन था। इतनी नाकामियों के बावजूद 1860 में सदारती इंतखाब जीता और ये और कोई नहीं इब्राहम लिंकन थे, जो अमेरिका के अब तक के सबसे बेहतरीन सदर माने जाते हैं, जिन्होंने कमजोर तरीन मुल्क को एक अजीम तरीन मुल्क बना डाला और स्याफामों को उनके हकूक दिलाकर गुलामी की जंजीरों से आजाद करा डाला। पै दर पै नाकामियों के बावजूद लिंकन ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी जिसे बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब एक कामयाब इंसान बार बार कामयाब होता है ना तो एक सिर्फ खबर बनती है, लेकिन जब एक नाकाम इंसान उठकर कामयाब होता है ना तो एक तारीख बनती है। बहुत शुक्रिया।